सोनीपत पाटिया विस्तार के निवासी रवि कुमार अशोक भाई वडवे, जो कि पिछले 15 सालों से बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े टेम्पो में ईंट भरकर खाली करने का काम कर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। बताया जा रहा है कि सूरत के लिम्बायत में स्थित टीपी स्कीम नंबर 39 में फाइनल प्लॉट नंबर 24 वाली जगह, जो कि नासिर खान सीमेंट वाला का गोडाउन स्थित है, जिसमें अशोक भाई पिछले 16 सालों से ईंट की गाड़ी खाली करने जाते हैं, तो उस जगह पर मुजफ्फर अली मोहम्मद मुजावर उर्फ टीपू नामक शख्स द्वारा उस जगह पर कब्जा जमाने के लिए अशोक भाई को ईंट की गाड़ी खाली करने से रोका जाता है तथा मुजावर उर्फ टीपू के साथियों को बुलाकर अशोक भाई को मारने पीटने की धमकियां भी मुजाफर उर्फ टीपू द्वारा दी जाती है, जिसके तहत पीड़ित अशोक भाई ने सूरत शहर पुलिस कमिश्नर को लेखित रजूआत की और इंसाफ की गुहार लगाई। नासिर खान सीमेंट वाला, नासिर में कौन सा एरिया और क्या बना बनाया? लिम्बायत जोन में टीपी 39 लिम्बायत फाइनल प्लॉट नंबर 24 फिरोज जहांगीर डुमसिया की जमीन में पिछले 16 साल से मेरा बिल्डिंग मटेरियल्स का गोडाउन है और 16 साल से मेरा वहाँ मटेरियल हर रोज आना और जाना है। पिछली जुम्मा को टीपू, जो अपने आप को मुजावर कहता है, उसने मेरे आदिवासी मजदूर को मार डालने की धमकी दी। गंदी गंदी जाति पे से, उसकी जात पे से गालियां दी और ये कहा कि यहां तुझे ईंट खाली नहीं करनी वरना ईंट मार के मैं तुझे यहां जमीन पे गिरा दूंगा और सारे मुसलमानों को जमा करके ये ईंट भी गिरा दूंगा। जबकि वो जमीन हिंदू पारसी भावजी की है, दरगाह का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जंगल सभाओं की दरगाह मजदा पार्क सोसाइटी के कॉमन प्लॉट में है। दरगाह का जो ट्रस्ट है वो बोगस है, दरगाह का मुजावर भी बोगस है। कायदे सर तो ट्रस्ट बनाने का और मुजावर मुकर्रर करने का काम मजदा पार्क सोसाइटी के लोगों का है, ये बन बैठे हुए बोगस मुजावर हैं और इनकी दानत हिंदू की जमीन पे है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए आंकी जाती है और वो जमीन को हजम करने के लिए पिछले एक महीने से लगातार उस जमीन पे रोजा खुलवाई, नमाज अदा किया जा रहा है, जबकि हिंदू की जमीन पे सजदा करना जायज ही नहीं है। कौन से इस्लाम में है, किस किताब में, किस कलाम पाक में लिखा है कि हिंदू जमीन पे आप सजदा कर सकते हैं? आपने कई इसकी अर्जी फरियाद दी है? मैंने सूरत शहर पुलिस कमिश्नर साहब को भी फरियाद दी है, मैं रूबरू मिलने गया था लेकिन शेड्यूल टाइट होने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई है और एसटीसी सेल जो है संग्रामपुरा में वहां पर भी इसकी शिकायत की है और मुझे उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द हम इसकी तपास करके। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़ सूरत।